अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। बहनों वैसे भाइयों भी, क्योंकि भाई भी कभी कभी देख ही लेते, बहनें तो देखती हैं कुकिंग। अच्छा तो यार, स्ट्रेट टू द पॉइंट, आज जो बना रहे हैं वो है गाजर का हलवा। आप नीचे देख सकते हैं ये गाजरें, और बनेगा किस तरह, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो अब बेगम की तरफ चलते हैं। हाँ तो बेगम, ये तो गाजर का हलवा बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आप नोट कर लें। गाजर हम लेंगे, यहाँ हमने गाजर लिया 5 किलो, आप जितने इस्तेमाल करना चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग खोया लेंगे 1 kg, दूध लेंगे 1 से 2 जग, 1 से 1.5 जग भी ले सकते हैं, 2 जग भी ले सकते हैं। इसके बाद हम चीनी लेंगे, 2 कप लेंगे चीनी के, ऑयल हम 1 कप यूज करेंगे, और ड्राई फ्रूट्स अगर जितने आप इस्तेमाल करना चाहिए आप कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो अब हमने गाजर एक देचके में ले ली है, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे, और इतनी देर ढक के रखेंगे कि सारी गाजर अच्छे से गल जाए। जी तो आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो गया हमने ऊपर रखा हुआ है। हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाएंगे, ना ज़्यादा तेज़ करेंगे आंच और ना ही ज़्यादा हल्की करेंगे, और अब हम मज़ीद इसे इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें से सारा दूध खुश्क हो जाए। जी तो आप देख सकते हैं कि गाजरें गलने पे आ गई है और दूध भी खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें ऑयल और चीनी ऐड कर देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रखेंगे, जब तक के सारा पानी सारा दूध अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि पानी सारा खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया, उसको हम तेज़ आंच करके उसे सुखाएंगे, और इसे फिर मज़ीद 10 से 15 मिनट भूनेंगे। हमने हलवे को 15 मिनट के लिए भूना है, और 15 मिनट भूनने के बाद हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके नीचे से आंच बंद कर देंगे और इसके अंदर खोया शामिल कर देंगे और ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। हाँ तो भैया, बहनें आप देख सकती हैं और भाइयों भी, आप भी देख सकते हैं, हमारा गाजर का हलवा जो है वो एकदम तैयार और A1 लग रहा है। और मज़े का ये है क्योंकि भाई बेगम ने बनाया है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, और शेयर करें अपनी और बहनों साथ और भाइयों साथ। वैसे मैं 160 फ्रेम वो फ्रेम पर सेकेंड कोशिश कर रहा हूँ कि स्लोमो कुछ हो जाए, मगर कोई खास लग नहीं रहा है। खैर, बस आप लाइक करें और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।